रिसेंटली इंडियन नेवी की ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र, जिसको रेजिंग राइनो भी कहा जाता है, उसमें फायर इंसिडेंट सामने आया है, जिसकी वजह से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट अपनी एक साइड पर पलट चुकी है। और जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम इस वॉरशिप की मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में रीफिटिंग चल रही थी। आग को शिप क्रू और नेवल डॉकयार्ड के फायर फाइटर्स द्वारा कंट्रोल तो कर लिया गया, बट वेसल में पानी भरने के कारण शिप की टिल्टिंग को नहीं रोका जा सका। और नेवी ने स्टेटमेंट में कहा है कि एफर्ट्स के बावजूद शिप को अपराइट पोजीशन में अभी तक नहीं लाया जा सका है। शिप पर मौजूद पर्सोनल्स में से एक जूनियर सेलर 3 दिन से मिसिंग था, जिसकी बॉडी को अब रिकवर किया जा चुका है। नेवी द्वारा शिप को बचाने के पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उसके एक्सटेंट ऑफ डैमेज का पता चलेगा। बट कुछ ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पानी भरने के कारण शिप के क्रिटिकल इक्विपमेंट्स डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये INS ब्रह्मपुत्र गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट्स की फर्स्ट और लीडिंग शिप है, जिसकी नेवी में कमिशनिंग 2000 में हुई थी और इसको गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ब्रह्मपुत्र क्लास की दो और शिप्स हैं, INS बेतवा और INS ब्यास। रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई शिप रीफिटिंग प्रोसेस में होती है तो ऐसे फायर इंसिडेंट्स का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि रीफिटिंग के दौरान शिप के बहुत सारे पार्ट्स और सिस्टम्स की कटिंग, रिमूविंग और ओपनिंग एक साथ चलती है और रिपेयरिंग के टाइम पर मल्टीपल लोकेशंस में हॉट वर्क जैसे कि वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम की वजह से सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और ये रीफिटिंग प्रोसेस कई हफ्तों से लेकर कई महीने और सालों तक भी चलता रहता है। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स या रेयर इंसिडेंट है, क्योंकि खतरा तो हर समय बना रहता है, बट उसके सिर्फ ट्रिगर होने की देर होती है। बट अगर इन सिचुएशंस में सही तरह की फर्स्ट एड यानी फायर एक्सटिंग्विशर प्रोसेस को सही समय पर यूज़ किया जाए तो आग को आसानी से काबू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के टाइम पर बहुत सारा पानी शिप के डेक पर ही जमा हो गया था, जिसकी वजह से शिप का वेट इंक्रीज हुआ और वो अपना बैलेंस खो बैठी। फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोसेस के टाइम पर एक्सेस वाटर जो डेक पर ही जमा हो रहा था उसको भी पंप आउट किया जाना जरूरी होता है, ताजो ज़्यादा वेट से शिप का बैलेंस ना बिगड़े। उन्होंने कहा कि अगर शिप की पंपिंग आउट कैपेसिटी डेक पर गिरने वाले पानी की अमाउंट से या तो शिप के डिज़ाइन की वजह से या फिर ऑनगोइंग रेनोवेशंस की वजह से कम होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शिप की स्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट लाजमी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिप्स पर पोस्टिंग से पहले सभी नेवल पर्सोनल एक NBCD कोर्स से गुजरते हैं, जहां उनको न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिफेंस, फायर फाइटिंग और डैमेज कंट्रोल जैसी सिचुएशंस के लिए ट्रेंड किया जाता है। सो इस इंसिडेंट में ये कहना तो गलत होगा कि क्रू उस सिचुएशन से निपटने के लिए फुली ट्रेंड नहीं था। बात वही है कि जब सही समय पर सही अप्रोच को यूज़ नहीं किया जाता तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स होना तय है। देखा जाए तो वॉरशिप के साथ इस तरह का इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले INS बेतवा का भी एक्सीडेंट हो चुका है। 2016 में जब INS बेतवा की नेवल डॉकयार्ड मुंबई से रीफिटिंग के बाद अनडॉकिंग की जा रही थी तो उस टाइम भी शिप एक साइड पर टिल्ट होकर क्रैश हुई थी। जब शिप को डॉक से फ्लोट किया जाता है तो शिप को एक प्रोसेस के अंडर पानी से फ्लड किया जाता है, बट अनडॉकिंग के टाइम कुछ मिस्टेक्स के कारण शिप का बैलेंस बिगड़ा और टिल्टिंग के बाद काफ़ी डैमेज हुआ था। उस टाइम ये रिपोर्ट किया गया था कि फ्रिगेट का 25% एरिया समुद्री पानी से भर गया था और शिप का मैस्ट, जिसमें क्रूशियल सेंसर्स होते हैं, वो भी डैमेज हो चुका था। और इस इंसिडेंट में 2 सेलर्स की भी जान चली गई थी। INS बेतवा को 2004 में कमीशन किया गया था, जिसकी टोटल डेवलपिंग कॉस्ट करीब 600 करोड़ थी। इस इंसिडेंट के बाद नेवी द्वारा चलाए गए कोर्ट मार्शल में 2019 में 3 सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ उनको उस एक्सीडेंट में अपनी ड्यूटीज़ में नेगलिजेंस की वजह से गिल्टी पाया गया। उस साल तक INS बेतवा को रिपेयर किया जा चुका था। इसके अलावा एक और इंसिडेंट में अगस्त 2013 में रशियन मेड किलो क्लास सबमरीन INS सिंधु रक्षक में आग के कारण कई एक्सप्लोजन्स हुए थे, जिसमें 18 सेलर्स की जान चली गई थी। इंसिडेंट के 10 महीने बाद जून 2004 में रिपेयरिंग के बाद उसको दोबारा ऑपरेशनलाइज किया गया। पहले तो नेवी को ये उम्मीद थी कि सबमरीन की सेल्वेजिंग के बाद उसको ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जा सकेगा, पर 2015 में नेवी डे पर ये अनाउंस किया गया कि INS सिंधु रक्षक को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा।
देन मरीन कमांडोज की ट्रेनिंग में सबमरीन को कुछ टाइम यूज करने के बाद मार्च 2017 में डीकमीशन्ड करके अरेबियन सी में सिंक कर दिया गया। उसके अगले महीने सितंबर में नेवी के उस टाइम पर ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट में भी फायर इंसिडेंट सामने आया था। इसके बाद INS विराट को मार्च 2017 में डीकमीशन्ड कर दिया गया था। 2011 में नीलगिरी क्लास फ्रिगेट INS विंध्यगिरी का मुंबई डॉकयार्ड के पास साइप्रस फ्लैग्ड कंटेनर MB नोडलेक से कोलिजन हुआ था, जिसकी वजह से नेवी की इस वॉरशिप में आग लगी और वो पूरी तरीके से पलट गई थी। बाद में उसको सेल आउट करके सैल्वेजिंग तो कर ली गई, बट जून 2012 में उसकी ओरिजिनल डीकमीशनिंग डेट से एक साल पहले ही INS विंध्यगिरी को डीकमीशन कर दिया गया। इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत का भी एक इंसिडेंट सामने आया था। 2017 में डॉक्ड INS अरिहंत का एफ्ट हैच ओपन रहने के कारण उसका पूरा प्रोपल्शन एरिया सी वाटर से चोक हो गया था, जिसके कारण INS अरिहंत 10 महीनों तक आउट ऑफ ऑपरेशन रही थी। रिपेयरिंग और रीस्टोरिंग के बाद उसको 2018 में ऑपरेशनलाइज करके डिप्लॉय किया गया। INS अरिहंत एक स्ट्रेटजिक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड का एक पार्ट है, और इसकी K-15 और K-4 मिसाइल्स पूरे पाकिस्तान के साथ बीजिंग तक के एरिया को भी कवर कर सकती हैं। 2017 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग 2007 से 2016 के बीच इंडियन नेवी की शिप्स और सबमरीन्स के 38 एक्सीडेंट्स हो चुके थे, और उसमें नेवी के 33 पर्सोनल्स की कैजुअलिटीज़ को भी रिपोर्ट किया गया था। फरवरी 2014 में उस टाइम के नेवी चीफ एडमिरल DK जोशी ने अपनी सर्विस के दौरान हुए एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी रेजिग्नेशन दी थी। उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन रशियन किलो क्लास सबमरीन INS सिंधु रत्ना के इंसिडेंट के बाद दी। इस इंसिडेंट में सबमरीन में जब स्मोक डिटेक्ट हुई तो कई सेलर्स को तो एयरलिफ्ट कर लिया गया था, बट सफोकेशन की वजह से दो ऑफिसर्स की जान चली गई थी। सो, इस तरह के इंसिडेंट्स का खतरा शिप्स और सबमरीन्स के नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान और खासकर रीफिटिंग के टाइम पर अक्सर बना रहता है, और इन फायर और फ्लडिंग इंसिडेंट्स को कुछ मेजर्स से कम तो किया जा सकता है, बट पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और हाँ, INS ब्रह्मपुत्र की कंडीशन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, और इंडियन नेवी की ये वॉरशिप रिपेयरिंग वर्क के लिए अगले कई महीनों तक आउट ऑफ ऑपरेशन रहने वाली है।